हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज भव्य और आज मैं आपके साथ कोई भी मेकअप लुक शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं आज आप सबके साथ अपना स्किन केयर शेयर करूँगी, मैं कैसे अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ एंड उसके बाद मैं क्या क्या प्रोसेस करती हूँ अपने स्किन के लिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है रूटीन मेरा। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में एक छोटी सी नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसे भी हिट कर दें ताकि आपसे मेरी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना हो पाए। और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इसे जल्दी से कर दीजिए लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड मुझे कमेंट करके आप बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है एंड कोई भी सजेशन वीडियो होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे पास कुछ सजेशन वीडियोस हैं जो कि मैं करूँगी डेफिनेटली, बट अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। एंड अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते और चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बेबी पाउडर ले रही हूँ, आप कोई भी पाउडर ले सकते हो। उसको मैं अच्छे से अपने फेस पर लगा लूँगी एंड उसके बाद मैं रेज़र यूज़ करूँगी ताकि हमारे फेस पर कोई भी कट वगैरह ना लगे। तो मैं इसको अच्छे से दाढ़ी मूछ बना ले रही हूँ अपने फेस पर वाइट, और उसके बाद यहाँ पर मैं रेज़र की हेल्प से इसको रिमूव करूँगी। मैंने आईब्रो पहले ही करवा रखा था। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने अपर लिप्स के हेयर को रिमूव कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको अप्लाई करने के बाद कहीं हार्ड हेयर ना आ जाए या फिर बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी पहले बहुत डरती थी बट मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा है। वैक्सिंग वगैरह से तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वैक्सिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो कि मैंने कभी करवाया नहीं है, मैंने बस सुना है। तो मुझे ये मेथड सबसे ज़्यादा आसान लगता है बिकॉज़ इसमें दर्द नहीं होता है, आपके दर्द के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं यही करूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से रिमूव कर रही हूँ एंड आपको अपने ईयर के पास के हेयर को पहले अच्छे से ऊपर कर लेना है एंड उसके बाद इसको अप्लाई करना है। बस आप अप्लाई करते वक्त ध्यान रखें जब आप इसको यूज़ करें, क्योंकि आपके ज़्यादा बाल ना निकल जाएं। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी बिकॉज एक हाथ में मिरर था एंड मुझे लग रहा था कहीं मुझे ज़्यादा ना कट लग जाए, मुझे मतलब कट ना लग जाए, मेरे ज़्यादा बाल ना निकल जाए। सो मैंने ऑफ़ कैमरा इसको रिमूव कर लिया एंड उसके बाद मैंने अपने फेस को कर लिया वॉश। मैंने बस यहाँ पर आपको प्रोसेस बता दिया, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप हफ्ते में एक या दो बार कर सकते हो, मैं तो 15 दिन पर एक बार करती हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही लेज़ी हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना फेशियल हेयर रिमूव कर लिया है, मैंने अपने आईब्रोज को पहले ही करवा रखा था, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने अपर लिप्स के हेयर को रिमूव किया एंड अपने चीक्स के हेयर को, सो वो भी बहुत कम ही थे सो मैंने उसको कर लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आप सबके साथ इस गुड वाइब्स के शीट मार्क्स का रिव्यू भी शेयर करने वाली हूँ। सो मैंने इसको क्लीन कर लिया है एंड उसके बाद मैं ये शीट मार्क्स यूज़ करूँगी। सो मैंने ये purple.com से लिया है, आप भी वहाँ से ले सकते हो, वहाँ हमेशा सेल चलती रहती है तो आपको मिल जाएंगे ये बहुत ही ईजिली। सो मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं उसके बाद आपको बताऊँगी कि ये कैसा वर्क करता है एंड मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे बहुत पहले ही ले लिया था बट मुझे टाइम ही नहीं मिला यूज़ करने का, सो आज मैं आप सबके साथ ये यूज़ करने वाली हूँ। सो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, तो आज मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये कैसे वर्क करता है पता नहीं मुझे, मैं देखती हूँ ये कैसा वर्क करता है। सो मैं आपके साथ जैसा भी ये होगा उसको आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे पता भी नहीं था ये कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, मैंने बस ऐसे ही ले लिया बिना सोचे समझे, मुझे बस इसको एक बार यूज़ करना था। तो इसमें कैसे यूज़ करना ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पीछे पढ़ सकते हो, यहाँ सारे मतलब आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो सब कुछ इसमें लिखा है, आप इसको पढ़ लो एंड उसके बाद आप इसको यूज़ करो। यूज़ करने का प्रोसेस पूरा दिया हुआ है एंड ये 99 रुपीज़ का है एंड आप पर्पल से लोगे तो आपको सेल चलती रहती है, आपको ऑफ़र में कम में मिल जाएगा आई थिंक। सो मुझे याद नहीं है मैंने कितने में लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था सो इसलिए मुझे याद नहीं अच्छे से। एंड इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं वो सारे यहाँ मेंशन कर रखे हैं, आप जब भी यूज़ करो तो आप इसको पढ़ लो पहले अच्छे से एंड उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आते हैं, मैंने सिर्फ एक ही लिया है क्योंकि मुझे पता नहीं था इसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सो मैंने ये लीली वाला लिया है, आप देख सकते हो, तो मैं इसको अभी यूज़ करूँगी एंड जो भी होता है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इसलिए मैंने आज सोचा आज मैं इसको यूज़ कर ही लेती हूँ, मैंने इसलिए फेशियल हेयर रिमूव किए हैं एंड उसके बाद मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं आपके सामने इसको खोल रही हूँ, देखती हूँ कैसे ये वर्क करता है। एंड मुझे इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी लगी,
बहुत अच्छा है ये, मतलब अच्छे तरीके से ये पैक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। देखते हैं क्या है। एंड आप इसको यूज़ करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओ। देखो आप इसका जो ये कपड़ा है ना वो भी बहुत अच्छा है, बहुत थिक भी नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। पता नहीं यूज़ करने में कैसा लगेगा। एंड बहुत सारा सीरम है आप देखो। तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इसको अप्लाई करने में, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि ये मेरे फेस से बहुत ज़्यादा ही बड़ा है या फिर मेरा फेस ही कुछ ज़्यादा छोटा है, तो ये अप्लाई करने में मुझे हो नहीं रहा था। आप देख सकते हो कैसे मेरे फेस के पास ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, एंड नोज़ भी नहीं अच्छे से कवर हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, बट फिर हो गया अच्छे से। आप अच्छे से कोशिश करोगे तो हो जाएगा। एंड मेरे फोरहेड के पास ये बहुत ज़्यादा ही मुड़ चुका है ऐसे अजीब तरीके से, बिकॉज़ मेरा फोरहेड बहुत ज़्यादा छोटा है। तो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है, एंड बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं इसको अपने हाथों में लगा ले रही हूँ जो भी एक्स्ट्रा इसमें सीरम है। पता नहीं ये कैसे वर्क करेगा। ये बार बार मेरे फेस से स्लिप ही हो जा रहा था, पता नहीं क्यों, बट फिर भी आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। एंड इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, मतलब जेल जैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत पानी की तरह नहीं है ये। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको लगाने पे। मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव करूँगी। बहुत ज़्यादा आप ड्राई मत होने दो अपने फेस पर, नहीं तो ये उतने अच्छे से वर्क शायद ना करें। सो जो भी एक्स्ट्रा सीरम है मैं यहाँ गले पर एंड हैंड पर लगा ले रही हूँ अच्छे से। एंड 15 से 20 मिनट्स के बाद मैं इसको रिमूव करूँगी एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा वर्क कर रहा है। सो मैंने इसको अप्लाई कर लिया अच्छे से अपने फेस पर। मुझे तो लग रहा है ये मेरे फेस से थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही है। तो 15 से 20 मिनट्स के बाद मैं इसको रिमूव करूँगी एंड उसके बाद देखूँगी कि कैसे वर्क कर रहा है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं फिर से इसको मंगाऊँगी। सो मैं आपसे मिलती हूँ 15 से 20 मिनट्स के बाद। 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको कर लेती हूँ रिमूव। ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है फेस में। आप ज़्यादा देर तक इसको मत रखो अपने फेस पर, नहीं तो वो ना मॉइस्चराइज़र मतलब देगा नहीं आपको, वापस लेने लगेगा। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं तो अब मैं इसको करूँगी रिमूव। तो करते हैं आप। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है, मतलब फ्रेश लग रहा है मेरा फेस। बाकी मैं मिरर देखूंगी तो बताऊंगी आपको। एंड आप अपने हाथों की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा मसाज कर सकते हो अपने फेस पर। मैंने अपने हाथों पर भी थोड़ा थोड़ा लगा लिया जो भी एक्स्ट्रा था उसमें, भी वेस्ट नहीं करना हमको। मैं अंडर आई पर इसको अच्छे से थोड़ा सा मसाज दूंगी ताकि मुझे अच्छा फील हो, और मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है इसको मसाज करने में। सो मैं इसको अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद ये अच्छे से मेरे फेस को ना बहुत फ्रेश फील करवा रहा है, मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। तो देखो आप, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, आप ले सकते हो, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आप इसको मसाज करने के बाद ऐसे ही छोड़ दो, ये आपके फेस में अब्सॉर्ब हो जाएगा। सो अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा ये, बस थोड़ा सा आपको मतलब बस फ्रेशनेस फील होगी। सो अच्छा लग रहा है मुझे, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है ये। एंड पर्पल पे हमेशा सेल चलते रहती है, आपको ऑफ़र में भी मिल जाएगा। सो बाय वन गेट वन फ्री भी मिलता है, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं उस पर। सो आप वहाँ से ले सकते हो, अच्छा लग रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा आपको फील होगा। एंड इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे, लिली की खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बहुत सारे इसमें अवेलेबल हैं गुड वाइब्स के ये प्रोडक्ट्स, तो आप ले सकते हो। एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल भी आता है, तो मैं ज़्यादातर गुड वाइब्स के ही प्रोडक्ट्स लेना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अफोर्डेबल है। एंड हम स्टूडेंट को अफोर्डेबल चीज़ ही ज़्यादा पसंद होती है। सो इसको मैंने लगा लिया है एंड आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो
तो आपको अच्छा लगा होगा तो जल्दी से इस वीडियो को कर देना है आपको लाइक एंड मुझे कमेंट में बताना, और इसको शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से मुझे वहाँ फॉलो कर लें, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड यूज़र नेम में यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी, सो आप लोग मुझे प्लीज़ वहाँ जाकर फॉलो करें। सो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू सो मच।